फरुखाबाद में मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला प्रकाश में है, जहां एक 55 वर्षीय महिला ने कलयुगी बेटे पर बलात्कार करने का आरोप लगाया। घटना को लेकर महिला ने बेटी के खिलाफ फतेहगढ़ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। राजारा के आरोपी कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं पुलिस महिला पर समझौते का दबाव बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ थाना क्षेत्र निवासी महिला के पति की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बच्चे बाहर ही रहते हैं। वह तीसरा बेटा आरोपी कल्लू और उसका छोटा भाई मां के साथ रहते हैं। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती रविवार देर रात वह अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी रात में तकरीबन 11:30 बजे उसका बेटा कल्लू उसके कमरे में आया और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। वही जब इसका विरोध किया तो आरोपी कल्लू ने उसके साथ मारपीट भी की। इस दौरान पीड़ित ने चीख कर मदद बुलाने की भी कोशिश की, लेकिन आरोपी कल्लू ने उसका मुंह बंद कर दिया। वहीं सोमवार सुबह महिला ने पड़ोसियों को मामले की जानकारी दी। आसपास के लोगों ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर आरोपी कल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। 11:30 बजे हमारे सब कपड़े उतारे और हमारे साथ बेइज्जती करी और हमारा मुंह बांध दिया, ताला लगा दिया, निकलने ना दो। मैं सवेरे 5 बजे उठे और एक मेरे पड़ोस में बुआ रहती, वहाँ हम रुके जाता हूँ। वहाँ उन्होंने हमने उनसे कहा मैं फोन कर दो 100 नंबर, उन्हें कहीं चौकी जाओ, हमें चौकी जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेगा, बुआ हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठो मैं फोन करे, फिर उन्होंने फोन किया, तब जाके भैया लोग आए तो उसे पकड़ के ले गए अंदर, के मार लगा के लेट गया। बड़ी मुसीब में घूमी कौन है? लड़का मेरा, दूसरे नंबर वाला। आपके कितने बच्चे हैं? 5 लड़का। आपके पति की मृत्यु कब हो गई थी? 2 साल हो गए। क्या पुलिस कंप्लेंट की आपने? वहाँ पुलिस आई थी। हाँ, फिर पुलिस पकड़ ले गई। क्या कार्रवाई की है? उनने कार्रवाई ये की और कुछ लिखा देंगे, कई अब बदनामी आपकी होगी और जे मत मतलब जेल चला जाएगा, छूटेगा नहीं। तो हमने कही नहीं, हमारी बदनामी तो हो चुकी है, जैसा हमारे साथ किया वही सही आप करो, कि नहीं जे मत है वो तो दुनिया भर में फैलेगी, रिश्तेदार फैलेगी, बदनामी होगी, जे वो हमने नहीं भैया है। तो हमने कही कि वो ले जाओ, जैसा हमने कही आप हमारा थोड़ा ख्याल रखेंगे, हाँ तुम्हारा पूरा ख्याल है, मगर जेल चला गया, जब आप चाहोगी या दूसरा कोई जमानत करा ले छुटिया, तो हमने हम चाहते हैं जिंदगी भर ना छुटे। क्या पुलिस ने आपको मेडिकल के लिए भेजा? नहीं भेजा। महिला ने आरोप लगाया कि हमारे पुत्र ने हमारे साथ दुष्कर्म किया, पूरा मामला क्या कार्रवाई की गई? डाक थाने वाली गली भोलीपुर थाना फरकाबाद निवासी पीड़ित मेरा द्वारा अपने बेटे कल्लू के विरुद्ध बलात्कार करने का, स्वयं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था, जिसके संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है। TV1 न्यूज के लिए विनय यादव की रिपोर्ट, फरुखाबाद। नगर में अब कोरोना वायरस को लेकर हाई अलर्ट का असर दिखने लगा है। SDM विश्वा द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग कराई गई, तो वहीं भारी पुलिस बल के साथ प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश राय भी मौजूद रहे। इसके चलते कई होटल संचालकों के साथ साथ ठेले वालों को भी साफ सफाई के निर्देश दिए गए, यहां तक कि मेडिकल स्टोर व मोबाइल की दुकानों में भी साफ सफाई के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। TV1 न्यूज के लिए शांतिदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिस्वा सीतापुर। सिंपल लखीमपुर खीर के संपूर्ण नगर में दिव्या पैरामेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 15 अप्रैल को किया गया, जिसमें MCIV डॉक्टर निशांत कनोडिया और डॉक्टर पूजा कनोडिया MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट, जिसमें फिजिशियन हड्डी रोग विशेषज्ञ नेत्र रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर भी मौजूद रहे, जिसमें अनेक बीमारियों का इलाज किया गया। साथ में मुफ्त दवा भी लोगों को दी गई और लोगों को कोरोना से बचने के बारे में भी सूचना दिया। इस अवसर पर प्रेमचंद कुशवाहा जी ने डॉक्टरों को बुलाकर लोगों का फ्री इलाज कराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रदेश महामंत्री अवतार सिंह राय भी मौजूद रहे, उनके साथ जिला महामंत्री प्रदीप पाल, विकास आर्यन गुप्ता, रंजीत पाल आदि लोग मौजूद रहे। TV1 न्यूज के लिए अतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।
जहां एक तरफ दैवी आपदा से किसान त्राही ताही कर रहा है और मुख्यमंत्री के आदेश पर सारे कार्यक्रम को निरस्त करके मंत्री को प्रभारी बनाकर फसलों के नुकसान का अवलोकन करने के लिए प्रयागराज भेजा गया, तो वहीं दूसरी तरफ करछना तहसील की संवेदन शून्य उप जिलाधिकारी महोदया तहसील के स्टाफ के साथ मनोरंजन में ही मस्त है, जिनको ज्ञापन देने के लिए जब भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल महासचिव के मिश्रा अपने साथी के साथ यहां पर पहुंचे तो उप जिलाधिकारी महोदया आकांक्षा राणा के इशारे पर लेखपालों के द्वारा इनसे मारपीट की गई। तो वहीं किसानों का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। ऐसे अधिकारियों की वजह से योगी की सरकार पर किसानों का भी भरोसा पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। वहीं आपकी सरकार किसान विरोधी भी साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि अभी भी संज्ञान में ले, नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट, प्रयागराज। प्रयागराज में पिछले दिनों अतरसुईया क्षेत्र में दिन दहाड़े सोने चांदी के विक्रेता से हुई गहने और नगद की लूट के मामले में अतरसुईया पुलिस ने पांचवे अभियुक्त आशीष भारतीय को गिरफ्तार कर पूरे मामले के खुलासे का दावा किया है। गौरतलब है कि इस घटना में एक महिला समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से चार लोगों की गिरफ्तारी पुलिस पहले ही कर चुकी थी। वहीं पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी आशीष पांडे चौराहे के पास लूट के माल को बेचने के सिलसिले में मौका देखकर कहीं जाने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के पास से 56 ग्राम सोने से बनी और 1 किलो 960 ग्राम चांदी से बने तमाम गहने भी बरामद किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लूट की इस घटना के बाद कई टीमों को वर्कआउट के लिए लगाया गया था। अभियुक्त आशीष की गिरफ्तारी के बाद शहर में हुई लूट की घटनाओं के खुलासे की और भी उम्मीदें की जा रही हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पुष्पराज सिंह की रिपोर्ट, प्रयागराज।